आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप अपने लिए एक ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो में बताऊं कि आप अपने लिए एक ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये ईमेल आईडी होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ईमेल आईडी होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा मोबाइल आ जाने के बाद कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तमाम तरह के ट्विटर, ये तमाम तरह के सोशल मीडिया साइट होता है। तो अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। और ईमेल आईडी जो होता है आपकी पहचान होती है। जैसे कि पुराने जमाने में आपका घर का पता आपका पहचान हुआ करता था, उसके बाद जमाना बदला तो आपके जो मोबाइल नंबर होते थे आपके पहचान होते थे। इसी तरह से अगर आप डिजिटल जमाने में डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक पहचान की आवश्यकता पड़ेगी। और ईमेल आईडी जो होता है आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी पहचान होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी आखिर आवश्यकता क्यों है। तो आपको बता दूं कि अगर आप इन तमाम तरह की सोशल मीडिया साइट, जैसे आप व्हाट्सएप का आनंद लेना चाहते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो इन तमाम चीजों के लिए आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। वैसे बता दूं कि आप यूट्यूब पे वीडियो के बिना ईमेल आईडी का भी देख सकते हैं, लेकिन आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें देखने के साथ। तो इसलिए आपके लिए ईमेल आईडी जो है क्रिएट करना जरूरी है। और मैंने ये भी देखा है अपने पूरे जीवन में कि कई सारे लोगों को ईमेल आईडी क्रिएट करने आता है, तो इसलिए उनके लिए वीडियो बेहद आसान हो। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि जिनको ईमेल आईडी क्रिएट करने नहीं आता है। ना जानने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं पढ़े लिखे हैं। बात यहाँ पे है नॉलेज की। कई सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जिनको ईमेल आईडी क्रिएट करने नहीं आता है, और कई सारे जो अनपढ़ लोग होते हैं यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको भी ईमेल आईडी क्रिएट करने नहीं आता है। इस तरह के तमाम समस्या होती है। लेकिन आज के डेट में 4G फोन जो होता है सबके पास होता है और सब लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप चलाए, फेसबुक चलाए, इन तरह समान तरह के सोशल मीडिया साइटों का उपयोग करें, या फिर गवर्नमेंट की कोई सोशल स्कीम आई है उसका बेनिफिट उठाए, या फिर अपने मोबाइल को रिचार्ज खुद करें। इन तमाम चीजों को क्रियाकलाप को करने के लिए आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं और ज्यादा समय आपको नहीं लेता हूं और सीधे आपको लिए चलता हूं आपको मोबाइल स्क्रीन पे, जहां पे आपको सिखाता हूं कि किस तरह से आप अपना एक ईमेल आईडी अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो फाइनली हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। और जीमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपल सा, जो आपका नया मोबाइल होगा उसके अंदर ये नेट का फंक्शन जो है वो ज़रूर आएगा। आपको बता देता हूँ कौन सा फीचर पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल क्रोम का, तो आपको क्रोम के ऊपर सिंपल सा क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर, ये देखिए इस जगह पर आपको सर्च करना है। और सर्च करना है आपको, ये लिख के रख लीजिए, आपको सर्च करना है क्रिएट जीमेल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको आ रहा होगा लिखा हुआ, चाहे तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं। तो मैं यहीं पे क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट जीमेल अकाउंट पे। और क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका खुल के आएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ विज्ञापन, इस वाले को नहीं ओपन करना है, यह प्रचार है। तो आपको नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए accounts.google.com, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इसको लिख के रख लीजिएगा accounts.google.com साइन अप लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के साथ एक आपका पेज ओपन हो के आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए क्योंकि मेरा नेट जो है थोड़ा स्लो है। तो इस तरह से पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका फर्स्ट नेम, यानी कि आपका नाम, पहला नाम क्या है और लास्ट नेम। जैसे मैं अपना नाम चंदन पटेल लिखता हूँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से चंदन पटेल या चंदन कुमार, जो भी आपका नाम हो वो आप इस तरह से यहाँ पे पहले लिख लेना है। उसके बाद आपको नीचे सिंपल आना है नेक्स्ट पे, सिंपल साइज पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पेज जो है अगले पेज पे जाएगा और वहाँ पे भी जानकारी मांगी जाए। यहाँ पे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, तो आपको सिंपल सा आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल कर लेना है। जैसे पहले सबसे पहला कॉलम है आपका जन्म कौन से महीने में हुआ था, उसके बाद दूसरा पूछा जा रहा है कौन से डेट को हुआ था, तो आपको यहाँ पे डेट भी भर देना है अपना जो भी आपका था सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल है या फीमेल है, लेडीज़ है या पुरुष है। अगर पुरुष है तो मेल पर क्लिक कीजिए, अगर लेडीज़ है तो फीमेल पर। उसके अलावा अगर आप बताना नहीं चाहते अपने जेंडर तो उसके लिए भी ऑप्शन है।
अगर आपका जेंडर कस्टम है, जैसे आप कोई कई सारे लोग होते जो पहले लेडीज होते थे बाद में जेंट्स हो जाते, लिंक चेंज करवाते, उनके लिए है। तो आप सिंपल सा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए आपका जो भी जेंडर है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है वो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आपका पीछे यहाँ पे @gmail.com जो है ऑटोमेटिक बना हुआ आएगा, इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आपको ऐसी आपके नाम से रिलेटेड फीड करना है और आसान सा, ताकि लोगों को आप बता सको कि हमारा ईमेल आईडी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखेगा, जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ चंदन कुमार, तो यहाँ पे अगर चंदन कुमार सिंपल सा डालूँगा तो ये अवेलेबल नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जो होंगे पहले किसी और बंदे ने यूज कर रखा होगा। तो इसमें थोड़ा सा कुछ लगा लेंगे, जैसे मैं 777 लगा के देखता हूँ, तो ये देखिए दिखा रहा है कि चंदन कुमार 777 जो है अवेलेबल नहीं है। इनके पास अवेलेबल ऑप्शन है CK67, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करके देखता हूँ। इस तरह से आप चेंज करते रहिएगा जो अवेलेबल होगा। जैसे मैं डाल लेता हूँ चंदन कुमार 16 अक्टूबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ देता तो 16/10 डाल लेता हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट करके देखता हूँ ये अवेलेबल होता है कि नहीं। इस तरह से आप एक दो आसान सा सिलेक्ट कीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट मत कीजिएगा, और इसको याद ज़रूर रख लीजिएगा कि आपने कौन सा डाला था। तो ये करने के बाद आपका जो पेज है अगले पेज पे जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ इस वाले पेज पे आएगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा, और नीचे सेम पासवर्ड जो ऊपर डाले हैं वही डालना होता है। और इसको ध्यान रखिएगा, जो भी आप पासवर्ड डालते हैं वो आपको याद रखना है, किसी को बताना नहीं है। और आप कोई पासवर्ड डालो उसको आप देख सकते हो यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करके। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल आपको पासवर्ड डाल के बता देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे डाला था 1234, तो ये जो पासवर्ड है मेरे को यहाँ भी 1234 ही डालना पड़ेगा। अगर दूसरा डालूँगा तो ये लेगा नहीं, गलत बता देगा। फॉर द एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए ये गलत बताएगा, ये गलत बता रहा है, क्योंकि और पासवर्ड जो है टोटल कैरेक्टर जो है उसकी संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए। तो अब मैं पासवर्ड जो है आपके छुपा के डाल देता हूँ कुछ, तो आप भी ऐसे करके सिंपल सा कोई भी पासवर्ड डाल लीजिएगा, ठीक है। और कंफर्मेशन के लिए आप जो है यहाँ से पासवर्ड देख सकते हैं, दोनों पासवर्ड मैच है कि नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, ये जब तक आप मैं इस वीडियो को पब्लिश करूँगा तब तक ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको दिखा, दोनों पासवर्ड मैच हो गए हैं, और इसको आप जो है याद रख लीजिएगा कि आपने पासवर्ड कौन सा डाला है इसका, या तो स्क्रीन शॉट ले कर रख लीजिएगा आप इस तरह से, ठीक है। इसको आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको दोबारा फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में या इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा आपको। इसके बाद सिंपल सा आपको नेक्स्ट कर देना है, और देखिए इस तरह से आपका जो ईमेल है वो क्रिएट हो जाएगा, और आपका ईमेल आईडी जो है तैयार है। अब आप इस ईमेल आईडी को जहाँ मर्जी यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके तरह इस वीडियो का फायदा जो है बाकी लोग भी उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।